Hello children, welcome to SJS YouTube channel. So in this video, I am going to teach you chapter 7, Let's Paint. First of all, we will learn about how to open paint. Then we will learn about the interface of paint, like how does it look like. So you can see here, how does it look like. So this is the interface of paint, okay. Then we will learn about how to draw the pictures. Okay, on the drawing area. Then next we will learn how to use the shape, how we can draw the pictures using shapes. You can use different shapes to make your drawings. Okay, now the next one is how we will put the colors in our drawings. Then the another thing is how to use pencil for our drawing, how we will use the eraser to delete the unwanted parts of the drawing. Then we will learn how to minimize it, how to maximize it, and how to close the pen. Okay, so after completing our drawings, we will save the drawings so that we cannot lose our drawing. So we will learn all these things in this video. Okay, so let's start the video. Okay, so today we will learn about paint. ओके सो आज हम लोग पेंट के बारे में पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग पेंट को कैसे ओपन करेंगे. ऑलराइट, सो फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू ओपन पेंट. ओके, देन वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ पेंट विंडो, एंड देन वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ पिक्चर्स and put colors on it, and how to save the file, okay, and about the minimize, maximize, and close window. So let's learn. So first of all, we will learn how to open paint. ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे कि paint कैसे open करेंगे. तो आप लोग paint तो ऐसे भी open कर सकते हैं कि आप start पे click करें, फिर all programs पे करें, उसके बाद accessories पे, then ऑन द पेंट. बट दिस इज विंडोज 10, सो इसमें हम लोग अगर कोई सा भी वर्जन का विंडो हो आप उस पर पेंट इस तरीके से खोल सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग. उसके बाद यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं पेंट. आप यहाँ पे सिंपली पेंट टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पेंट. ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो यहां पे जस्ट सिंपली हम लोग पेंट पे क्लिक करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेंट है वो हमारा खुल गया है. ये जो पेंट का है इंटरफेस देख रहे हैं आप लोग, ये जो वाइट एरिया है यहां पे, ये ड्राइंग एरिया है, यहां पे हम लोग पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे. उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं फाइल, होम, व्यू. उसके बाद यहां आप लोग को दिख रहा होगा पेंसिल है, ये कलर बकेट है, यहां से आप कोई सभी पिक्चर में कलर डाल सकते हैं. फिर यहाँ पे टाइप करने वाला टेक्स्ट है, टाइप कर सकते हैं. फिर यहाँ पे इरेजर टूल है, आप इरेजर से किसी चीज़ को मिटा सकते हैं. फिर यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वो है शेप एरिया. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको शेप्स, यहाँ से आप कोई भी शेप लेकर यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ये कलर बॉक्स है यहाँ पे, यहाँ से आप कलर चूज करके पिक्चर में डाल सकते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे साइज है, किसी का भी साइज आप ले सकते हैं, जैसे रबर का साइज ले सकते हैं, पेंसिल का साइज ले सकते हैं. ओके, तो ये सब चीज़ के बारे में अभी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे एक, जैसे कि यहाँ पे शेप दिख रहे हैं, अगर आपको शेप से कोई पिक्चर बनाना है शेप का यूज़ करके, तो आप यहाँ से जैसे कि हम ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको ड्रैग करके अपने पास यहाँ पे ले आएंगे. ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे जैसे ही, वैसे ही यहाँ पे पिक्चर बनेगा, जितना बड़ा जितना छोटा करना चाहे कर सकते हैं. फिर यहाँ से मान लो कोई भी चीज़ एरो लेना हो एरो ले सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे, इसको एरो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो लगा दिए. उसके बाद फिर यहाँ पे ये लाइन टूल लेना है, लाइन टूल. ठीक है, लाइन टूल यहाँ किसी तरीके से भी कर सकते हैं, आप पिक्चर बना सकते हैं. ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे दो एरो देख रहे हैं आप. ठीक है, ये और ये हो गया क्या है, अंडू है. अगर देखें अंडू पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो पहले से जो लिखे हैं वो धीरे धीरे गायब होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप. देखिए, जो लाइन टूल था वो गायब हो गया, एरो गायब हो गया. ठीक है, अब रीडो करेंगे तो वो फिर से वो सब स्टेप वापस आ जाएगा.
मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये जो स्टेप है वो अब रीडो करेंगे इसको, तो देखिए फिर से वो चीज़ आ रहा है, समझ गए, फिर से इसको करेंगे तो वो बैक होता जाएगा जो जो स्टेप्स किए थे, ये देखिए फिर रीडो करेंगे तो वो चीज़ वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंडू और रीडो का फंक्शन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेंसिल आप देख रहे हैं, पेंसिल से हम लोग सेलेक्ट करेंगे पेंसिल को, और यहाँ पे पेंसिल का हम लोग साइज को इंक्रीज करेंगे, यहाँ से बड़ा वाला ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कुछ पिक्चर बनाते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे बना रहे हैं कुछ इस तरीके का पेंटिंग, ठीक है, इस तरीके का फ़ोटो बना रहे हैं हम, ओके। तो ये देखिए यहाँ से कुछ हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सही से नहीं बना ना, तो इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ से इरेजर टूल करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद इरेजर को इसको ड्रैग करेंगे ऐसे करके, तो ये मिट जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे मिटा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए फिर से इसको पेंसिल को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से हम इस चीज़ को फिर से यहाँ से ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से कुछ भी। तो ये कुछ तरीके का स्पाइडरमैन बना दिए हम यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये तो एग्जांपल देखने के लिए आपको समझा दिए। उसके बाद फिर से हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ से हम लोग कलर चूज़ कर सकते हैं, कलर इसमें भी ये कर सकते हैं, कलर इस तरीके पेंसिल से भी कलर कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कलर कर सकते हैं। या फिर अब हम बता रहे हैं यहाँ से शेप का यूज़ करके पिक्चर बनाना, तो शेप से यूज़ करके पिक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए हम एक स्क्वायर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, स्क्वायर लिए, फिर यहाँ से एक ओवल शेप ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेते हैं बीच में, ठीक है, फिर और क्या स्टार ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक स्टार बना दिए इसमें, फिर एक और स्टार ले लेते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये कुछ तरीके का पिक्चर बन गया। अब इसमें हमको कलर डालना है, तो कलर डालने के लिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले येलो कलर चूज़ कर लेते हैं। अब येलो कलर को यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ देखिए बकेट को पहले सेलेक्ट करेंगे, बकेट को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो भी कलर हमको इंसर्ट करना है वो कलर को, यहाँ से ब्लू कलर है तो ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आके इसको छोड़ देंगे, फिर यह ब्लू कलर हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी सभी कलर को यहाँ से येलो कलर ले लेते हैं, येलो कलर को यहाँ पे करेंगे तो ये येलो हो जाएगा, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया, येलो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें कलर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से व्यू में आप यहाँ से इसको जूम कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। और भी बहुत कुछ इसमें है, तो आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, ठीक है, अभी होम में जाएंगे। फिर अब इसको हम लोग को मान लिया, अब इसमें आप एक और चीज़ देखें, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये मिनिमाइज है, इसको हम अगर क्लिक करते इस पर तो यहाँ ये क्लोज नहीं होगा बट ये मिनिमाइज हो जाएगा, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से आ जाएगा, और ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं वो मैक्सिमाइज है, ठीक है। इससे हम लोग इसको अपने अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऊपर से भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से, समझ में आ रहा है आप सबको। तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज, इसको हम बटन को क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अब इसको हम लोग को सेव करना है, तो सेव करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे रिसेंटली में आ जाएगा, सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट में, बट हम लोग को क्या करना है, अपने नाम से सेव करना है, इसलिए हम लोग सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम लोग सेव करेंगे, स्क्रीन पे विंडो के, उसके बाद यहाँ पे अपना नाम देंगे, ठीक है, नाम देंगे जो भी नाम है यहाँ पे दे सकते हैं आप, RAJNI इसको हम सेव करेंगे, ठीक है, नाम से, ओके डन। ये ऑलरेडी पहले से मैं बना रखे हैं तो इसको एग्जिस्ट करेंगे फिर से, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजनी नाम से ये जो पिक्चर है वो सेव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पेंट में काम करते हैं, ओके। तो आप लोग इस चीज़ को देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके, थैंक यू।